गाइस। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी हो गया। अरे अरे रहा नहीं जाते शर्मा अब नचेंगे हमारी ब्यूटीफुल बुआ वो बिजली गिराने मैं तो आई तो इससे पहले कि आप मेरी शक्ल देख के वीडियो को स्किप मारें जो मुझे YouTube एनालिटिक्स से पता चल चुका है जो भी हो तो इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि इस वीडियो में मैं अपने मुंह बोले सीकर के ताऊजी की शादी में गया था। एक सेकेंड, मुंह बोले सीकर से ताऊजी की शादी में गया था। किसके मुंह बोले? ये खुद मुंह बोले चाचा जी के मुँह से बोले हुए बोल हैं। तो ज्यादा मूड बिना खराब करे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिर हमारी जयपुर की ये ट्रिप ट्रेन मिस होने से शुरू हुई। ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं, हाँ हाँ, बस यही ट्रेन हमारी छूटी थी। अच्छी खासी कंफर्टेबल थर्ड एसी टिकट कराई थी हमने, सब पानी में गई। पर कोई नहीं, हमने अपना मनोबल नहीं टूटने दिया और सेम डे हमारा जयपुर पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए हमने दिमाग लगाया और क्या, जनरल की टिकट बुक करी। जनरल की टिकट, ओ माय गॉड, 12 घंटे जनरल की ट्रेन में बैठना, भाई हैट्स ऑफ है उन लोगों के लिए जो रेगुलरली जनरल बोगी में ट्रेवल करते हैं। भाई जैसे तैसे तो हमें सीट मिली, पर एक बार सीट मिली तो वहाँ से हमने अपनी तशरीफ एक पल भी नहीं उठाई, पता नहीं वापस मिलेगी कि नहीं। इतना एंटरटेनमेंट पूरे रास्ते में, कोई एक तरफ झगड़ रहा है तो कहीं सर्कस चल रहा है, कहीं नाच गाना हो रहा है, बीच में तो भाई पैसे मांगने के लिए उफ। जैसे तैसे तो हम जयपुर पहुंचे उस रात। और अगले दिन निकल पड़े गाड़ी लेके जयपुर से सीकर। भाई एक बात तो है, जयपुर से सीकर की रोड है तो बढ़िया, भाई ट्रैवल का कुछ पता ही नहीं चला। वो अलग बात है कि हमारे ड्राइवर भी लोग भी बहुत बढ़िया थे, भाई मज़ा तो आया पूरे रास्ते। ना शादी में खाना खाते समय आते हैं ऐसे यूं, ऐसे पूरे मुंह में घुस के। जब तक हम सीकर पहुंचते बहुत लेट हो चुकी थी। मतलब आप ये समझिए कि इवेंट तो खत्म, ऊपर से इतना लेट पहुंचे कि छोटे बच्चे कुर्सियां संभाल रहे थे, और पहुंचे भी तो ठीक खाने के टाइम पर। हमने बस खाना पीना किया कि तभी ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देने लगी। तब लगा ना भाई कि शादी वाले घर पे आए हैं।
एक बार बैंड बाजा क्या शुरू हुई, उसके बाद तो सारी प्रथाओं का सिलसिला शुरू हो गया। Thank you.
क्या क्या बोल रहे हैं प्रकाश, क्या आप ब्लॉग में बोलेंगे? सिक्कर की गली में वॉक करके। सिक्कर की गली हमें बुला रही है? यस। तो चलिए फिर गली का साउंड। सिक्कर की गलियों में एक पार क्या गए, उसके बाद सीधा अगली सुबह बारात के टाइम पे पहुंचे। पहले ही थोड़ा लेट हो रखे थे तो इसलिए हम लोगों ने छोटे मोटे कामों में हाथ भी बटा दिए। यहाँ दूल्हे राजा को सभी तैयार करते हुए एकदम वन ठन बना कर सेट कर दिया। लग रहे हैं ना एकदम हीरो। तेरे को नहीं पहनना है भाई, अभी तेरा नंबर नहीं आया। आएगा आएगा, तेरा भी आएगा, सब्र रख। अरे अरे रहा नहीं जाते चलो भाई। और गजब बात तो ये थी कि उसी दिन भैया का बर्थडे भी था, तो लगे हाथों केक कटिंग भी हो गई। शादी की क्रिया में समय कब चला गया पता ही नहीं चला। जैसे ही घर के सारे रीति रिवाज पूरे हुए, हम सभी निकल पड़े बाराती बनकर।
हमारे अंदर बारात में नाचने की एक्साइटमेंट फूट फूट के बाहर आ रही थी। फटाफट दूल्हे राजा हमारे गाड़ी में बैठे, सभी परिवार वाले भी बैठे। और ये निकल पड़ी हमारी बारात सीकर से जयपुर की तरफ।